ये आपकी जो फ्लेम पहले टेम्परेचर पड़ा, इसके बाद में इसका कहाँ कहाँ पर फ्लेम का यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, गैस वेल्डिंग में, कटिंग में, कौन कौन से मेटल में इनका प्रयोग करते हैं। जैसे आपका पहला है ऑक्सी एसिटिलीन, जो फ्लेम है इसका प्रयोग होता है पेरस और नॉन पेरस जो मेटल होता है, लो अलो धातु जो होती है उन पर होता है, एलॉय वेल्डिंग के लिए होता है, जो मिश्रण धातु होती है उनके लिए, और आपका गैस कटिंग के लिए, जीएस का मतलब क्या है शॉर्ट में लिखा है मैंने, इसके लिए गैस कटिंग के लिए, गाउजिंग, गाउजिंग क्या होता है मेटल को जैसे अपन एक खड्डा नुमा बनाते हैं ना, जैसे आपका ये मेटल है ऐसा, अब जैसे ये बनाया, इसको फ्लेम के द्वारा क्या करेंगे छीलेंगे, इसके द्वारा फ्लेम के द्वारा छीलेंगे, इसको क्या बोलेंगे गाउजिंग, दूसरा है जो आपका ऑक्सीकॉल, ऑक्सीकॉल फ्लेम का कहां पर प्रयोग करते हैं, जो पानी के नीचे स्टील की कटिंग करते हैं, पानी के नीचे स्टील की कटिंग करते हैं वहां पर किसका प्रयोग करेंगे ऑक्सीकॉल, किसका करेंगे। आगे जो आपका सिल्वर स्टील, जो सिल्वर सोल्डरिंग होती है स्टील पे, सिल्वर की जो सोल्डरिंग होती है उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे ऑक्सीकॉल का, ऑक्सीकॉल गैस का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आपका आता है तीसरा ऑक्सीहाइड्रोजन, ऑक्सीहाइड्रोजन का प्रयोग कहां पर करेंगे, पानी की नीचे स्टील की कटिंग के लिए, और आगे स्टील की ब्रेजिंग के लिए, इसके लिए स्टील की ब्रेजिंग, देखा होगा आपने जो सुनार करते हैं ना, टाके अपने टाके लगाते चांदी सोना पे, उसकी स्टील की ब्रेजिंग के लिए किसका प्रयोग करेंगे ऑक्सीहाइड्रोजन का प्रयोग करेंगे। आपसे कहीं से क्वेश्चन उठा के पूछ सकता है कि पानी की नीचे स्टील की कटिंग के लिए कौन से फ्लेम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से ऑक्सीब्यूटेन है, ऑक्सीब्यूटेन, ऑक्सीब्यूटेन में